नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप यूरिया बर्थोलॉट की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हो। इस वीडियो में हमने एनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ किया है। दोस्तों, यदि आप यूरिया बर्थोलॉट की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर पे प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसके लिए जिन पैरामीटर्स या जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो सारे पैरामीटर्स आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में मिल जाएंगे, जो कि आपके किट के अंदर दिया गया होगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर सकते हो। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑन कर लीजिए और उसके मेन मेन्यू पर आ जाइए। यहाँ पर हम टेस्ट ऑपरेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और इस लिस्ट में से ऐड न्यू टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट टेस्ट मोड। इसका ये मतलब है हमें यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि यूरिया बर्थोलॉट की किट हमारी एंड पॉइंट मोड की है या काइनेटिक मोड की है या फिक्स टाइम की है या किसी और मोड की है। अब ये जानकारी हमें इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में मिल जाएगी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएक्शन टाइप के आगे एंड पॉइंट मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि यूरिया बर्थोलॉट की किट एंड पॉइंट मोड की किट है। तो यहाँ पर हम इस लिस्ट के हिसाब से एंड पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो नेम ऑफ द टेस्ट की ऐड करनी है। इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे लेबोरेटरी सेटिंग्स के हिसाब से सूटेबल हो। मैं इस वीडियो में UREAB नेम ऐड कर रहा हूँ। नेम ऐड करते ही आप यहाँ पर एंटर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और होम स्क्रीन पे आ जाइए। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो प्राइमरी वेवलेंथ की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने प्राइमरी वेवलेंथ के आगे 578 नैनोमीटर मेंशन किया है। अब यही जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। जानकारी ऐड करने के लिए हम प्राइमरी वेवलेंथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिल्टर वन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम 578 नैनोमीटर सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ा है। यदि आपके इंस्ट्रूमेंट में एग्जैक्ट वेवलेंथ अवेलेबल नहीं है तो उससे करीब वाली कोई भी वेवलेंथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने सेकेंडरी वेवलेंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ पर फिल्टर टू का ऑप्शन जो है उसे ब्लैंक रखेंगे। उसके बाद हम एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो टेम्परेचर या फ्लो सेल टेम्परेचर की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फ्लो सेल टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है। अब यही जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। जानकारी ऐड करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर के आगे पहले से ही 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन हुआ है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली जानकारी हमें यहाँ पर जो ऐड करनी होगी वो KF या काइनेटिक फैक्टर की ऐड करनी है, जिसे हम 1.0 ही मेंटेन रखेंगे। उसके बाद अगली जानकारी हमें यहाँ पर जो ऐड करनी होगी वो वॉल्यूम या एस्पिरेशन वॉल्यूम की ऐड करनी होगी। अब एस्पिरेशन वॉल्यूम को आप 500 माइक्रोलीटर ही मेंटेन रख सकते हो, लेकिन यदि आप अपना टेस्ट 500 माइक्रोलीटर में रन कर रहे हो तो आप इसे घटाकर 300 या 400 माइक्रोलीटर भी कर सकते हो। उसके बाद अगली जानकारी जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो यूनिट की ऐड करनी होगी। अब यूनिट की जानकारी देखने के लिए भी हमें इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ को ही रेफर करना होगा। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे 50 mg पर DL मेंशन किया हुआ है, तो जो भी यूनिट स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे लिखी हुई है वही यूनिट हमें सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करनी है। जानकारी ऐड करने के लिए हम यहाँ पर यूनिट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से वो वाली यूनिट सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद अगली जानकारी हमें यहाँ पर जो ऐड करनी होगी वो लैग टाइम की ऐड करनी होगी। अब दोस्तों, लैग टाइम का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि जब हम रिएक्शन मिक्सचर को मशीन के अंदर एस्पिरेट करेंगे उसके कितने सेकेंड्स के बाद मशीन उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करेगा। आप चाहो तो वैसे इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़कर अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हो, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर लैग टाइम को सिलेक्ट करते हुए 5 सेकंड का लैग टाइम इंस्ट्रूमेंट को दे देता हूँ। उसका कारण यह है कि जब हमारा रिएक्शन मिक्सचर इंक्यूबेट होता है तो वो कई पैरामीटर्स में रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट होता है और हमारा फ्लो सेल का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है,
तो हमारे रिएक्शन मिक्सचर को रूम टेम्परेचर से 37 डिग्री तक पहुंचने के लिए मैं यहाँ पर 5 सेकंड का टाइम एंटर कर देता हूँ। अब हम एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली जानकारी हमें यहाँ पर जो ऐड करनी होगी वो ब्लैंक सेटिंग्स की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक सेटिंग्स के आगे रिएजेंट मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पर इस पैरामीटर में हमें रिएजेंट को यूज़ करते हुए ब्लैंक रन करना है। तो क्योंकि हमें रिएजेंट को यूज़ करते हुए ब्लैंक रन करना है, इसलिए हम यहाँ पर ब्लैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से ऑप्शन येस को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो QC या क्वालिटी कंट्रोल की ऐड करनी होगी। यदि आप लेबोरेटरी में कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सीरा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी नॉर्मल या एबनॉर्मल रेंज आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगली जानकारी जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो नॉर्मल वैल्यू की ऐड करनी होगी, मतलब पेशेंट के अंदर नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब वैसे तो लेबोरेटरी को अपनी नॉर्मल वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करनी चाहिए, लेकिन यदि लेबोरेटरी ने अपनी नॉर्मल वैल्यू एस्टैब्लिश नहीं करी है तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ को भी रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रेफरेंस वैल्यू के नीचे यूरिया की वैल्यू 10 से 45 mg/dL और यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल वैल्यू 5 से 21 mg/dL मेंशन की है। तो इस लिस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर यूरिया की वैल्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में एंटर कर देंगे। वैल्यू एंटर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन येस को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन लो सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से वो वाली वैल्यू एंटर कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे। उसके बाद हम ऑप्शन हाई सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से हम वो वाली वैल्यू एंटर कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। फिर से वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो स्टैंडर्ड की ऐड करनी होगी, यदि हमारे किट में स्टैंडर्ड दिया गया है या नहीं। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे 50 mg/dL मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारे किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 50 mg/dL की कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। जानकारी ऐड करने के लिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से ऑप्शन येस सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऐड करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड नंबर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर वैल्यू डालनी होगी कि हमारे किट में कितने स्टैंडर्ड दिए गए हैं। अब क्योंकि हमारे किट के अंदर एक ही स्टैंडर्ड दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन एंटर करने का ऑप्शन अब ओपन हो चुका है। हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें अगली इन्फॉर्मेशन जो ऐड करनी होगी वो लिमिट सेटिंग्स की एंटर करनी होगी, मतलब हमारे किट की लिनियरिटी कितनी है। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने लिनियरिटी के आगे 350 mg/dL मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारे किट की लिनियरिटी 350 mg/cent है। अब ये जानकारी हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। जानकारी ऐड करने के लिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और लिस्ट में से हम वो वाली न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबाकर एस्केप दबा देंगे होम स्क्रीन पे आने के लिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी जानकारी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए चाहिए वो जानकारी हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। प्रोग्राम सेव करने के लिए आप ऑप्शन सेव यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में सेव हो चुका होगा। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट टेस्ट में जाएंगे और वो वाली विंडो पे जाएंगे जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हमारा प्रोग्राम 87 नंबर पोजीशन पर जाकर सेव हुआ है। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप कोई भी पेशेंट सैंपल रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और इससे आगे इंस्ट्रूमेंट आपको गाइड कर देगा किस तरीके से आप एब्जॉर्बेंस को मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए कि अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो।
अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।